नमस्कार नमस्कार जनाब नमस्कार, लुधियाना से बोल रहे हैं। हाँ, लुधियाना शहर है हमारा। भाई साहब, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सड़कों पर बोलते हैं कभी कभी, जब किसी की अभी देखे मेरे दोस्त की गाड़ी मेरे को मिल के कहता भैया आओ तेरे को घुमा कर लाता हूँ। मैंने कहा भैया चलो, फिर हमारा कैमरा हमारे साथ होता है तो ये देखिए, चलते 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 हम आपको दिखाते हैं। अभी देख लाइट आ गए यार, पवेलियन माल भी दिखा दो यार थोड़ा सा, और देखिए जब कैमरा लगा यार सारी तरफ चारों तरफ लगा। मैंने बहुत कोशिश की है, कहता मैं भिखारी हटा दूंगा जहाँ से, कमिश्नर साहब नहीं कहा था, लेकिन कोई भी नहीं हटा। देखिए ये कहते अरे बाबा पैसे दे दो पैसे दे दो। ये सब जो है गरीब नहीं है, ये भिखारी हैं, इनका प्रोफेशन है, ये ध्यान रखना। ये शाम तक बहुत पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, आपसे ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं। चलो देखिए सामने ये लाइट होने वाली है। अभी हम पवेलियन मॉल के पास खड़े हैं, ये अभी हम जा रहे हैं फाउंटेन चौक की तरफ, और फाउंटेन चौक के बाद हम जाएंगे मॉल रोड के ऊपर। और देखिए ये हमारा ओल्ड कोर्ट होता है, यहाँ पर कचहरियाँ होती थी पुरानी। और थोड़ा थोड़ा आगे करते रहिए भाई साहब, और देखिए धीरे धीरे आगे चलिए। और देखिए जो साइकिल वाला भैया, तेरे क्या लाइट लाइट नहीं है तेरे लिए रेड वगैरह। और देखिए यहाँ पर ये देखिए पवेलियन मॉल बना हुआ भाई साहब, मैं कमेंट्री नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और तीर्थ गरेवाल जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट साहब, कहते हैं चल भैया तेरे को घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा भैया जी हमको घुमाओगे आप? अरे भाई साहब देखिए ये लुधियाना शहर है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये फाउंटेन चौक आ गए, ये फवारा चौक बोलते हैं, और चपाटी भी बस बहुत पुरानी चपाटी है यहाँ पर, और जहाँ घोरों की कब्रें भी थी जो बैक साइड पर चली गई हैं, सिमिट्री रोड बोलते हैं। और जहाँ पर एक जो चर्च बना हुआ है 150-200 साल पहले जो बना था, 1857 में बना था भैया साहब, माल रोड है। देखिए चलो देखिए ये फाउंटेन चौक है, ये सबसे बड़ा यानी कि इस समय लुधियाना शहर का जो हम आपको दिखा रहे हैं फाउंटेन चौक, और जहाँ पर गोल्ड स्मिथ की दुकानें हैं। और हम इस समय जा रहे हैं फाउंटेन चौक से भातनगर चौक की तरफ, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, वहाँ पर जाना है हम लोगों ने। और देखिए ये ट्रैफिक यहाँ पर, ये हम घुमार मंडी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जहाँ पर हम सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ फुटपाथ बन रहे हैं दोनों तरफ। और देखिए जहाँ रेलवे क्वार्टर भी हैं अंग्रेजों ने जो बनाए थे, इधर लगा जा रहा रानी जानी से रोड पर। ये देखिए जहाँ पर ये दरख्त लिए हैं, दरख्त दिखाई दे रहे हैं जो इधर दिखा लगाओ, दाहिने हाथ लगाया जा रहा है इधर, इधर पार्क देखे ये पेड़ लगे हुए हैं ना जो अंग्रेजों के बंगलों में लगे हुए हैं। जब अंग्रेज आए थे तो ये रेलवे कॉलोनी है जहाँ पर अफसर लोगों के घर होते थे। और देखिए जहाँ पर ये बड़े बड़े जो घर हैं, और देखिए सामने जैसे गाड़ी देखे उसने सड़क के बीच में लगा दिया, और देखिए पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो सब एक के बाद एक रुकते रहेंगे। हाँ, एक आजकल एक और नया ट्रेन चल रहा है गरेवाल जी, मैं बताता हूँ, और ड्राइवर को बीच में बैठा देते हैं तो पीछे लाइन लग जाती है गाड़ियों की। भाई जब ड्राइवर बीच में बैठा तो चलान नहीं करता गाड़ी का, कहते हैं यार अभी हम आगे कर लेंगे हैं। और देखिए जी अभी धीरे धीरे करके चला रहा है, कोई पीछे जितने मर्जी लोग आते रहे। अरे भैया यहाँ पर तो अभी तक लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आया लुधियाना शहर में, पंजाब में, हिंदुस्तान में, और इससे ज़्यादा हम क्या सोचेंगे यार, क्या तरक्की करेगा? अभी तो सोच ही नहीं बदली तो देश क्या बदलेगा? अरे यार चलो चलते हैं आगे, आगे चलो दिखाते हैं। अरे देखिए, अरे देखिए बड़ी बड़ी दुकानें हैं भाई, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना गोल्ड स्मिथ वालों की, सारे इंडिया में एक जैसी हैं, उनकी जो चैन सिस्टम है उनका, जहाँ लुधियाना शहर में बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, और वाइट लाइन लगा रखी है, और बहुत कुछ कर रखा है यहाँ पर यार, कुछ नहीं पता चलता यहाँ पर। देखिए अरे वाह, ये भी चपाटी है यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर देखिए इधर लगाओ थोड़ा थोड़ा, अरे वाह वाह, अरे वाह। ये देखिए गाड़ी सड़क के बीच में, कोई बात नहीं भैया सड़क आपकी है, लोग जाम में फंसे रहे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। ये हम जा रहे हैं घुमार मंडी की तरफ भैया जी, और देखिए गाड़ियाँ एक के बाद एक, पीछे से आगे से, पीछे से आगे से, जहाँ जाए बस भैया भैया यहाँ से मत करो यार, अभी तो एक के बाद दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती, अभी बच्चों को भी थोड़ा सा इधर उधर कर दो भाई साहब। वो कहते हैं कि हाँ वो देखिए क्या कर रहे हैं, सभी को पता है अंबरसर की गाड़ी भाई साहब आ गई, ध्यान से चलो जरा, रिश्तेदारों को मिलने के लिए हैं, कोई बात नहीं पीछे खड़े रहो 2-4-10 मिनट खड़े रहो, कोई बात नहीं, उनको अपना शी ऑफ कर लेने दो। हाँ एक गाड़ी और आगे से आ गई, ये लुधियाना शहर। अरे भैया तुम भी बीच में बढ़ जाओगे, चल कोई बात नहीं यार तुम्हारा लुधियाना है, गाड़ी तुम्हारी है। अरे भैया जहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं, चपाटी वगैरह पे खाने के लिए आते हैं। अरे भैया यार, अरे भैया हमने जल्दी जाना था यार। अरे भैया चलो कोई बात नहीं लोग भाई, अरे यार सब आजादी है जहाँ पर, सब आबादी है जहाँ पर, हर कुछ है जहाँ पर, आजादी है जहाँ पर मर्जी, जहाँ पर ये सब आजादी है, फंडामेंटल राइट है लोगों का, जो मर्जी करो।
और देखिए ये जो रोड बन रहा है ना, ये फुटपाथ बन रहा है, ये कई महीने तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। जहाँ पर ये डेबरी वगैरह जो पड़ा है, ये जो टाइल्स वगैरह पड़ा है, इंटरलॉक टाइल्स पड़ा है, सब यहीं पड़ा रहेगा। 3-4-6 महीने लग जाते हैं ऐसे धीरे धीरे करके बनाते हैं। कंट्रैक्टर भी ऐसे ही हैं, और जो हमारे एक्सिन साहब हैं, एससी साहब हैं, वो भी ऐसे हैं, हमारे नेता भी ऐसे हैं। हर बंदा एक जैसे ही है यार, हिंदुस्तान एक जैसे ही है। हाँ, सब बढ़िया बढ़िया आदमी है यहाँ पर। और देखे अरे देखे चुपाटी, अरे वाह वाह, चिट्टा हाथी। ये बिल्डिंग बहुत पहले बनी थी, अभी तक खाली पड़ी है, बहुत देर हो गया इसको, अभी ये गवर्नमेंट की है। और देखे यहाँ पर भाई साहब चुपाटी में खाली हो गया, अभी आज से चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा धंधा चलेगा। आज कर्फ्यू हट गया, 8 बजे तक रात को दुकानें खोलने का मौका मिल गया 50% के साथ। चलो भैया खाने पीने का थोड़ा सा छूट मिला है, अब 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 उन कौन पूछेगा भैया, चल गया अब चलेगा। अरे भाई ये गुमान मंडी की तरफ जा रहे हैं, कर ले भैया हम अभी चलेंगे, अभी देखें हम थोड़ा फिर बाद में दिखाएंगे। देखिए अब इस टर्म हम ये जा रहे हैं फिरोजपुर रोड की तरफ, और देखिए जहाँ पर भाई साहब, अरे यार इतनी वादी है लुधियाना शहर की, इतनी वादी है कि क्या कर लेंगे यार। लोगों को खुद सोचना चाहिए, लोगों को खुद अक्ल होनी चाहिए, लोगों का दिमाग इतना यानी कि देश के लिए, समाज के लिए ओपन होना चाहिए कि हर लोग जो हैं वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सारे। तीर्थ गरेवाल जी मेरे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं साथ साथ कि ऐसे नहीं, ऐसे कहो, ऐसे नहीं, ऐसे कहो। मैं वैसे कह रहा हूँ भैया जैसे जैसे मेरे को आवाज़ आ रही है, एंड मेरे को तो भैया जो जो कुछ कहोगे वही बोलूँगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। भैया लुधियाना शहर आपका है, आप इंडियन सिटीजन हैं। अरे हम तो भैया जी अपने घर में ही रहते हैं, अपने घर के सिटीजन हैं। अरे भैया देखो ये गाड़ियाँ कैसे खड़ी हुई हैं, दूसरी गाड़ी आ जाए तो एक तरफ दूसरी तरफ गाड़ी घुमाने में कितना समय लगेगा, खुद ही अंदाज़ा लगा लो। अरे आप भी तो चलते हो लुधियाना शहर में, अरे भैया बच्चों को पीछे रखो पीछे, अरे भैया ध्यान से चलाओ यार, बच्चे हैं छोटे छोटे आगे। अरे भैया भैया मोड़ लेना है, इसको टर्न करना, हाँ ओनली लेफ्ट साइड। हाँ देखिए भाई साहब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ पर ये रेस भी लगाते हैं, जो नोंडे होते हैं सड़कों के ऊपर, लगा यार लगा, इधर लगा, कभी उधर लगा, लोगों को दुनिया दिखा क्या है लुधियाना शहर का नज़ारा, लोगों को पता लगेगा जब देखेंगे। ये हमारे दोस्त का होटल आ गया इधर, फ्रेंड है। अरे भैया जी हमारा कोर्ट भी आ गया इधर, कचहरी है हमारी। ये फुटपाथ बनाए थे भैया, अंडर ब्रिज बनाए थे, ये अंडर फुटपाथ हो, ये देखिए ये भी समझ लो सफ़ेद हाथी बन के रह गया। 7 करोड़ रुपया खर्च किया था सरकार ने इसके ऊपर, जरूरत ही नहीं महसूस हो। ये देखिए जहाँ पर पहले जो कैनाल हाउस थे, जहाँ पर ये भी देखिए हरा भरा है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन अब टूट टाट गया। जो अंग्रेज़ों ने पहले कैनाल जो होती है ना, नहरें होती हैं, वो पहले बनाए थी जहाँ पर ऑफिस से बड़े बड़े, लेकिन अब ये खाली हो चुका है, जहाँ पर से शिफ्ट कर दिया गया। चलो भैया जी सीधे ले लो आप, और वहाँ पर कुछ लोग हमारे खड़े होंगे तो वहाँ पर कुछ। आज देखे ये ओवर ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर जो हाईवे बन रहा है, यहाँ पर लुधियाना शहर में फिरोजपुर से जो भी ट्रैफिक आएगा, बरनाला से बठिंडा से इधर ही जाएगा चंडीगढ़ रोड की तरफ, ये और जलंधर की तरफ भी जाएगा यहाँ से। और देखिए धीरे धीरे करके हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर हमने जाना था, और जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि लुधियाना शहर में कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर हम ट्रैफिक के बारे हमने आपको बताया, और यह रेड लाइट आ गई है जहाँ पर, और सामने जो कीप सिटी क्लीन एंड ग्रीन वो सब रंग रूंग चढ़ चुका है जहाँ पर। और देखिए जहाँ पर भाई साहब गाड़ी लगा लीजिए, वहाँ से कुछ लोग खड़े हैं, जहाँ लगा लीजिए, अब वहाँ जाएंगे हम, वहाँ देखेंगे क्या क्या हो रहा है। एक मिनट रुको रुको। और देखिए इस समय हम भारत नगर चौक में खड़े हैं, और हम अभी दिखाया कि लुधियाना शहर की सड़कों पर कैसे जाम लगता है, कैसे सड़कों पर लोग आते जाते हैं। और ये भारत नगर चौक है जहाँ पर 200-300 रोज रेड लाइट जंप के भी चलान काटे जाते हैं, और जहाँ पर लोगों को कैसे चलते हैं, कैसे चलना नहीं चाहिए, कैसे चलते हैं। और देखिए आप ही के सामने है सारा कुछ, जहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं। और भाई साहब ये जो इस समय जहाँ पर बस स्टैंड भी बना हुआ है, जहाँ बस रुकती है, बस बे भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं रोकते, तो सड़क के बीच में सब गड़ा देते हैं। वो साइड पर बना हुआ है फिरोजपुर जाने के लिए, रायपुर जाने के लिए, बरनाला जाने के लिए, और लेफ्ट साइड पर हमारे सामने ही है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर किंग की सुविधा भी है, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी पार्क नहीं करता, और ना ही वहाँ पर कोई बस रुकती है, सीधा इस सड़क के बीच में बस रोकते हैं जहाँ पर। और देखिए जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ लुधियाना शहर है, भैया साहब प्रशासन क्या करेगा, पहले लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हमें कैसे चलना चाहिए। चलो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ दिखा दिया हमने। तो इस समय हम लुधियाना शहर में खड़े हैं, अपनी गाड़ी में हमको आज राउंड लगवाया, कहा कि दिखाओ हमको कैसा लुधियाना शहर है। तो हमने भी देखा लुधियाना शहर कैसा है, बहुत जतन कर रहे हैं कि लोगों को समझ आ जाए, लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझेंगे, लोगों की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। चलो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप ट्रैफिक का ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखें श्रीपाल जी, जेड़े आ फाइन वधे आ ना, 200 रुपये का 5000 रुपया होया, ये ता वधे क्योंकि लोग सुनते नहीं, तुम सुनते होंगे 200 रुपया लगना सीगा, वो भी नहीं लगना जो तुम ट्रैफिक रूल फॉलो करते। साड़ी तो इन्नी दरखास्त आ, कर लो, नहीं तो पनिशमेंट तो है ही है। और देखिए रेस मत लगाएं गाड़ियों की, अपने लोंडों को समझा दो कि रेस मत लगाएं, आपका भी नुकसान हो सकता है, दूसरों का भी नुकसान हो सकता है।